नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि आज शाम की कार्रवाई सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX पूरा ही का ही पूरा लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सुबह की कार्रवाई सत्र में तो कुछ कृषि जिनसे हरे निशान पर देखने को मिल रही थी, लेकिन शाम होते होते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्लोजिंग होते होते हम देख रहे हैं कि कृषि फसलों का वायदा बाजार लगातार लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। कुछ कुछ कमोडिटीज के अंदर 4-4% के भी निचले सर्किट लगते नजर आ चुके हैं। बात करें यहां से अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 6492 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, हल्की सी बहुत ही मामूली सी बढ़त है। हमने कैसे सीड को 6500 के भी ऊपर ट्रेड करता देखा है। अब देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार 6500 से नीचे 6400 के लेवल पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो अब यहां से कैसे सीड का वायदा बाजार इसी दायरे सीमित दायरे में रहेगा, नीचे जाएगा, या फिर यहां से एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगी, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं KDA एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। अजय जी, देख रहे हैं यहां पे हमने कैसे सीड को 6500 के भी ऊपर ट्रेड होते हुए देखा है, अब देख रहे हैं कि 6400 के घरों में एक बार फिर से कारोबार करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे सीमित दायरा एक बार फिर से देखने को मिलता रहेगा? जिसकी वजह से मार्केट एक दायरे में जरूर है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि 6400 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो आने वाले दिनों में 6650 का लेवल तोड़कर 6850 का लेवल भी दिखा देगा जी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि काउंटर में लेवाली करके ही चलना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कोरोना को लेकर जो कंसर्न बढ़ा है, जिसकी वजह से आज सभी एग्री में गिरावट है, थोड़ा भी प्रेशर बनता है तो ड्रॉप पे लेके चलिए, 6850 का ओवरऑल टारगेट रहेगा जी। तो यानी कि कैसर में यहां से अभी बढ़त बनती नजर आ सकती है। जैसे अजय जी बात करें बिनौला खल की, तो कॉटन सीड ऑयल केक में हमने 2500 के बाद 2600 का लेवल क्रॉस होते हुए देखा है। इनफैक्ट कल के कारोबारी सत्र में हमने 2700 का भी लेवल हिट होते हुए देखा था, आज भी देख रहे हैं 2765 का हाई लग चुका है। हालांकि 2700 से सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पर इस समय बिनौला खल ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अगले कारोबारी सप्ताह एक बार फिर से 2700 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे और 2700 के बाद 2800 का भी लेवल देखने को मिल पाएगा? से अच्छी कमोडिटी है, इनफैक्ट 2450-2400 के करीब हमने रिकमेंडेशन भी दिया था कि दिसंबर तक 2800-2850 तक का लेवल दिखा देगा, बट अगर मार्च तक की बात करें तो ये 4000 का लेवल दिखा सकता है। तो आई थिंक आज की जो गिरावट है वो खाली एंटीसिपेट किया गया है कोरोना की कंसर्न की वजह से, सभी एग्री में जो गिरावट है जी। बाकी अगर दिसंबर या जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 2700 पे लेके चला जाए तो आई थिंक अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर 2850 तक का लेवल दिखा देगा जी। तो यानी कि बिनौला खल उन कम्युनिटीज में शामिल हो सकता है जो आपको साल 2021 के अंत में मुनाफा तो देगा ही देगा और साल 2022 के मार्च तक मुनाफा दे सकता है। अजय जी के मुताबिक बिनौला खल साल 2022 में मार्च तक 4000 तक का लेवल दिखाने की ताकत भी रखता है। अजय जी, इसे नज़र डालें अगर मसालों की तरफ, तो मसालों में हमने धनिए को 9100 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा है, आज देख रहे हैं कि धनिए का दिसंबर वायदा 8700 के घरों में है। इसी तरह से बात करें जीरे की, तो जीरा भी 16650 तक जाता नजर आया था, आज देख रहे हैं कि जीरे का दिसंबर वायदा 15750 पर कारोबार कर रहा है। ठीक उसी तरह से हल्दी में भी हमने 8000 का लेवल आते देखा है, 8000 से 7800 गई और 7800 से अब 7600 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या मसालों में यहां से अभी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? देखिए, मसालों में भी मुझे लगता है कि ओवरऑल आउटलुक है वो काफी बुलिश है। हम अगर जीरे की बात करें तो मुझे लगता है कि फरवरी के मिड तक हम 20,000 से 21,000 का लेवल आराम से टेस्ट कर पाएंगे जी। बट एज ऑफ नाउ अगेन, जिस ढंग से एक अच्छी खासी रैली पिछले कुछ दिनों में हमने देखी थी, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनती थी जी। और यही कारण है जिसकी वजह से पिछले 2 दिन के अंदर हमने एक अच्छा खासा पुल बैक प्राइसेस में देखा है, ये एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है जी। हो सकता है अगले 2 सेशन में थोड़ी और गिरावट मिले जो 15500 तक का लेवल दिखा दे जी। आई थिंक 15500 पे अगर कोई लेता है तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 16500 का लेवल दिसंबर मंथ में ही दिखा दे, बट बड़ी तेजी जो रहेगी वो जनवरी और फरवरी 2 महीने के अंदर ही रहेगी, जिसके अंदर हम समझते हैं
कि 20,000 से 21,000 का लेवल आराम से क्रॉस कर जाएगा। जी अजय जी, इसी के साथ बात करें धनिये की, तो धनिये में भी हमने 9,100 का लेवल टच होते हुए देखा था, अब देख रहे हैं 8,700 के घरों में धनिया कारोबार कर रहा है, आपको क्या लगता है धनिये में भी जीरे की तरह यहाँ से थोड़ी और गिरावट गहराएगी और फिर निचले स्तर से खरीदारी निकलेगी? देखिए, जीरा और धनिया ये दोनों ही कमोडिटी मुझे लगती है ये आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है। जैसा हमने उम्मीद किया था वैसे जंप्स तो ऑलरेडी हमने आते हुए देखा है। एक पुलबैक जो दिखा रहा है वो मुझे लगता है खाली कोरोना कंसर्न की वजह से, अदरवाइज हमने देखा इस बार सोइंग में भी सीवियर ड्रॉप है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि धनिया के अंदर थोड़ा पुलबैक है, वो 8500 तक हो सकता है, स्लोली एंड स्टडीली जमा करें तो ये भी ऐसी कमोडिटी है जो 12,000 का लेवल क्रॉस कर जाए। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि जो गिरावट बढ़ रही है आज के सेशन में ये सोमवार मंगलवार भी देखी जा सकती है। 8500 का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है धनिया, दिसंबर वायदा वहां पे आप लेके चलिए। जी यही सर जी, बात करें हल्दी की तो टर्मेरिक में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि 7,600 के बाद 7,500 के लेवल्स पर ट्रेड कर रही है, तो क्या हल्दी में यहाँ से और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए टाइमिंग मुझे लगता है हल्दी के अंदर काउंटर वैसे तो बुलिश है, जो अपसाइड के अंदर 8,500 का लेवल तोड़ने पे ही बड़ी तेजी करेगा, अदरवाइज 7 से 8.5 के बीच में है। बिकॉज एज ऑफ नाउ अगर हम देखें कैरियर स्टॉक अच्छा है, सोइंग भी अच्छी हुई है, रिसेंट में जो तेजी आई थी जिसमें हमने 8,000 का लेवल छूते हुए देखा, साउथ में जिस ढंग से मानसून काफी सक्रिय हुआ और डैमेजेस रिपोर्ट हुई थी जिसके चलते ये रैली आई थी, तो आई थिंक मार्केट में कंफर्टेबल स्टॉक लेवल होने की वजह से ये तेजी में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो एज कम्पेयर टू जीरा और धनिया हल्दी मुझे ज्यादा बड़ी तेजी नहीं लग रही। 7,000 से 8,000 का जो दायरा रहेगा वो अगले महीना दो महीना ऐसा ही चलेगा। फरवरी ऑनवर्ड्स हम समझते डिमांड भी रहेगी तो अराइवल भी रहेगा, तो एज ऑफ नाउ जो फैक्टर्स है वो काफी न्यूट्रल है, तो मुझे लगता है 7100-7200 की रेंज मिले तो लेके चलिए, 8,000 के करीब मिले तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, एक दायरे में रहेगा। एज कम्पेयर टू जीरा धनिया हल्दी मुझे ज्यादा बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं लग रही। जी अजय जी, यहीं से नजर डाले अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो ग्वार में आज हमने काफी ज्यादा गिरावट आते हुए देखी है। इनफैक्ट हम ये पूरा हफ्ता देख रहे हैं कि जो ग्वार है एक नरमी के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इससे भी पहले जब आपसे बात हुई थी आपने यही कहा था कि ग्वार में अभी जो नरमी है वो जारी रह सकती है, और ठीक वैसा ही हम होते हुए अभी देख भी रहे हैं कि 4-4% की लोअर सर्किट ग्वार गम में और 3% का लोअर सर्किट ग्वार सीड में लगता नजर आ रहा है। अब आपको यहां से क्या लगता है, क्या यहां पे अभी ग्वार में कुछ पोजिशन बनाने के लिए यहाँ पे अभी और वेट करना चाहिए क्या? देखिए मेरा व्यू पहले भी न्यूट्रल टू वीक ही था ग्वार में, और हमने पहले भी कहा था कि 5600 का पहला सपोर्ट और 5200 का ओवरऑल लग रहा है कि हमें फेयर प्राइस रहनी चाहिए, तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा बहुत भी अगर जंप आता भी है उस जंप पे हमको पिकवाली करके ही चलनी चाहिए। काउंटर वीक है जनवरी मंथ से, 10 जनवरी से हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम में एक अच्छी तेजी का माहौल बनेगा जो मार्च अप्रैल तक एक नया ऊंचा हाई बनाता हुआ दिखेगा, लेकिन जनवरी 10 से पहले मुझे लगता है मार्केट में गिरावट ही रहेगी। जो 5200 तक का लेवल ग्वार सीड में और करीबन 8,800 से 9,000 का लेवल हम देख पाएंगे ग्वार गम में, तो ओवरऑल दोनों काउंटर में मुझे लगता है अगले 15-20 दिन महीना भर गिरावट भरा ही सेशन रहेगा, जनवरी से ही तेजी बनेगी। जी अजय जी, जैसे आपने अभी अभी बताया कि ग्वार में जनवरी से ही तेजी बनेगी, तो जनवरी में ऐसा क्या होगा जो ग्वार की कीमतों को तेजी की ओर लेके जाएगा? देखिए सबसे पहला चीज तो है करेक्शन मोड, जिस ढंग से हमने अगस्त और सितंबर में एक एक बड़ी रैली आते हुए देखी, ये कहीं ना कहीं एक ड्यूटी आगे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सेकेंडली कोरोना के बाद डिमांड धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया, राइट नाउ अगर हम देखें तो यूरोप मार्केट लॉकडाउन में जा चुका है ऑलरेडी, और क्रूड में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। थर्ड है डोमेस्टिक मार्केट में जो फूड इंडस्ट्री है जिसमें ज्यादा यूसेज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऊंचे भाव के चलते हमने देखा टेक्सटाइल के भी जो इंपैक्ट है, टेक्सटाइल से भी जो बाइंग है वो वहां पे थोड़ा ठहराव लेता हुआ दिखाई दिया है। एज ऑफ नाउ मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो टेक्निकली भी एक करेक्शन ड्यू था जनवरी से। मुझे लगता है कि एक तो भाव अगर ये करंट लेवल पे रहते 5,000 से 5,500 के बीच में या 9,500 के बीच में अगर हम ग्वार गम की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए वाइबल रेट्स रहेंगे, क्योंकि बीच में हमने जो 13,000-14,000 के आसपास भी भाव को जाते हुए देखा वहां पे एक वाइबिलिटी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अल्टरनेट्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो आई थिंक जनवरी तक जो हम करेक्शन देख रहे हैं वहां तक अगर मिल जाता है तो प्राइजेस फेयर प्राइस रहेंगे, और पोस्ट पेंडेमिक के बाद फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर और ऑयल इंडस्ट्री के अंदर
भी दिखाई देगी। ओवरऑल हमने देखा कि इस बार स्विंग एरिया में भी ड्रॉप आया था, प्रोडक्शन में भी ड्रॉप था, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट भी मिला था, बट एकाएक सितंबर में जो बड़ा उछाल आया था ये जस्टिफाइड नहीं था, जिसकी वजह से हमारा व्यू नेगेटिव बना। और हमें लगता है कि 5200 लेवल जनवरी तक मिल जाता है तो वो काफी अट्रैक्टिव लेवल हो जाएगा बाइंग के लिए। जी, तो यानी कि अभी जो कुछ महीने हैं ग्वार के लिए ऐसी वीक ट्रेंड वाले देखने को मिल सकते हैं अजय जी के मुताबिक, लेकिन जनवरी से ग्वार में एक बार फिर से तेजी बनती नजर आ सकती है। अजय जी, यहाँ पे हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन के दिसंबर वायदे में कल के कारोबारी सत्र में हमने 6900 के ऊपर के भी लेवल्स टेस्ट होते हुए देखे थे। आज हालांकि देख रहे हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आई है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है। दिसंबर वायदा 6749 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 6875 का हाई लगा चुका है। आपको यहां से क्या लगता है, क्या यहां से सोयाबीन में जो करेक्शन है वो और ज्यादा गहराएगी या फिर यहां से सोयाबीन एक बार फिर से तेजी पकड़ेगा? देखिए, हमें लगता है सोयाबीन जिस दिन से उम्मीद थी कि अराइवल प्रेशर बढ़ेगा नवंबर में, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जिस दिन से पॉलिट्री इंडस्ट्री की डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, सप्लाई कंसर्न्स बना हुआ है, ग्लोबल मार्केट में तेल के भाव भी तेज है, तो ये सारे फैक्टर्स सोयाबीन को सपोर्ट ही करता है। इनफैक्ट हमने देखा है कि शॉर्ट स्क्वीज जैसी सिचुएशन बन गई थी, जिसके चलते हमने एकाएक 5700 से करीबन 6600-6700 का भाव भी बनते हुए देखा है। आज की जो गिरावट है वो कोरोना को लेकर और मार्जिन हाइक की वजह से है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि अगले 10-12 दिन के अंदर प्राइजेस 7100 से 7200 तक के भी लेवल दिखा सकती है। तो इन ऑल ऐसे घटा अगर थोड़ा भी ऐसे पुलबैक आता है 6600-6650 तो काफी अच्छा लेवल है सोयाबीन में। मुझे लगता है ये तेजी कंटिन्यू रहेगी जो 7100 तक का लेवल दिखा सकती है। जी अजय जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, वो कौन सी एग्री कमोडिटीज होंगी जो आज क्लोजिंग होते होते और अगले कारोबारी सप्ताह तक अच्छा मुनाफा देती नजर आ सकती है? देखिए, दो कमोडिटी मुझे ऐसी लगती है जिसमें अच्छा मुनाफा बन सकता है। पहला है कैस्टर, 6500 का भाव दिसंबर वायदा चल रहा है, अभी भी लेके चल सकते हैं 6650 के टारगेट के लिए 6420 के स्टॉप लॉस से। वहीं दूसरी कमोडिटी है कॉटन सीड ऑयल के जनवरी वायदा, ध्यान रखिए जनवरी वायदा आपको लेके काम करना है। 2720 का भाव चल रहा है इस वक्त, यहाँ पे आप लिया जा सकता है। 2650 का स्टॉप लॉस रखिए, 2850 तक का लेवल अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल जाएगा। तो इन ऑल मुझे लगता है कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल के ये दो कमोडिटी पे ध्यान रखकर बाय करके चलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो इन कमोडिटीज में आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं आने वाले कारोबारी सप्ताह के अंदर भी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।